अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पाक बंगाल रिएक्ट। मेरा नाम अहमद अब्बास है। और मेरा नाम सलमान है। तो फ्रेंड्स, आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हम लेके आए हैं वो है इंट्रोडक्शन टू बांग्लादेश नेवी, जो कि हमने पहले बांग्लादेश की नेवी नहीं देखी, इसलिए आज हम इस हवाले से बहुत एक्साइटेड हैं कि बांग्लादेश की आज जो नेवी है उसका हम इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं, उसके बारे में जानने जा रहे हैं। तो सलमान भाई, आपको कैसा लग रहा है? वैसे हमने मेरे ख्याल में पाकिस्तान सॉरी बांग्लादेश की एयरफोर्स का तो देखा था हमने, क्विक रिएक्शन देखा था। वो तो भाई बड़े कमाल का था उनका रिएक्शन, जो उनकी मतलब आर्मी थी। तो आज ये जो नेवी है फोर्स, इसका आप क्या कहेंगे कि ये कैसा मतलब इसका माहौल होगा, कैसा होगा? यार ये नेवी है तो उम्मीद है कि यार बहुत जो ना ये भी स्पीड से काम करते होंगे, मतलब इनका भी क्विक रिएक्शन होगा ऐसे ही। वैसे ही है। हाँ यार, तो देखेंगे तो पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो का इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा इनका। हाँ, सही तरीके से हो जाएगा, सही तरीके से हम जान लेंगे ना, क्योंकि हमें नहीं पता इस बारे में। तो फ्रेंड, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और चलते हैं वीडियो की तरफ। बांग्लादेश नौबाहिनी मूलत विश्वर जे कोनो देशेर जन्ने नौबाहिनी विशेष गुरुत्वपूर्ण। शांत सागर जखन फुसे उठे भयंकर उन्मत्ततায়, তখন হাল ছাড়ে না নাবিক। অসীম সাহসিকতায় রুখে দাঁড়ায় সে। কঠোর প্রশিক্ষণে তার রক্তে প্রথিত হয়ে আছে আত্মত্যাগ আর দেশপ্রেমের বীজ। দিন রাত ছুটে চলে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ। চৌকস ও আত্মবিশ্বাসী নাবিকের স্পর্শে তৃপ্ত প্রাণচঞ্চল এ যুদ্ধজাহাজই নৌবাহিনীর সকল সক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। দুর্বার গতিতে জাহাজগুলো দাপিয়ে বেড়ায় সমুদ্রের অতন্দ্র প্রহরী হয়ে। প্রবল বিধ্বংসী ক্ষমতা আর ক্ষিপ্রতায় কাঁপনে ধরায় অপরাধীর বুকে। আবার দুর্যোগ দুর্ঘটনায় সেই জাহাজই আবির্ভূত হয় মানবতার বার্তা নিয়ে। পথ দেখায় নিরাপদ গন্তব্যের। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর রয়েছে আধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং যুদ্ধ সরঞ্জামাদিতে সজ্জিত ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ জাহাজ। ফ্রিগেট এর মধ্যে সর্ববৃহৎ ও শক্তিশালী। এই ফ্রিগেটের রয়েছে ত্রিমাত্রিক তথা শত্রুর জাহাজ, বিমান এবং সাবমেরিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সক্ষমতা।
এছাড়া নৌবহরে রয়েছে মাঝারি আকৃতির যুদ্ধজাহাজ কর্ভেট ও ক্ষেপণাস্ত্রবাহী দ্রুতগামী যুদ্ধজাহাজ লার্জ পেট্রোল ক্রাফট। অপরদিকে উপকূলবর্তী অঞ্চল ও অভ্যন্তরীণ নৌপথে অভিযান পরিচালনার জন্য রয়েছে পেট্রোল ক্রাফট। মাইন ক্লিয়ারেন্স, অনুসন্ধান ও জরিপ কার্য পরিচালনার জন্য রয়েছে বিশেষায়িত জাহাজ। বাংলাদেশের ইতিহাসে রচিত হয় এক নতুন অধ্যায়। নৌবহরে যুক্ত হয় দুটি সাবমেরিন, নবযাত্রা ও জয়যাত্রা। এর মধ্য দিয়ে সাগরের অতল গহ্বরে বাংলাদেশের আধিপত্যের যাত্রা শুরু হয়। তখন থেকে এ সাবমেরিন দুটি ঘুরে বেড়াচ্ছে বঙ্গোপসাগরের রহস্যময় সাবমেরিন অতলান্তিকে ছুটে চলে সবার অলক্ষ্যে, নিরন্তর চলে গোপন নজর। ঝড়, বৃষ্টি বা উত্তাল ঢেউ কিছুই রোধ করতে পারে না সাবমেরিনের ছুটে চলা। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর এই সব জাহাজ, এয়ারক্রাফট, সাবমেরিন ও বিশেষায়িত ফোর্স সোয়ার্ডস বছরে জুড়ে দিন রাত ২৪ ঘন্টা সুরক্ষা দিয়ে চলেছে আমাদের বিশাল সমুদ্র সীমাকে। সালমান ভাই, ক্যা কেনা চাহেঙ্গে আমারে বাংলাদেশী নেভি? সালাম পেশ করুঙ্গা। क्योंकि ये जो समंदर की लाइफ है ना, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। और देखिए, इतना टाइम सबमरीन की लाइफ तो और ज्यादा मुश्किल है। सबमरीन की तो ज्यादा मुश्किल है, जैसे कह रहे हो ना, बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो बहुत ही मुश्किल है यार, कुछ भी हो, आंधी तूफान जो कुछ भी, उन्होंने उधर ही रहना है और अपनी कंट्री के लिए, हिफाजत के लिए पूरी जी तोड़ मेहनत करनी है, हिफाजत करनी है सरहद की, उधर बैठे रहना है घात लगा के, जैसे कहते हैं। तो यार वैसे हिम्मत है, इनको मैं भी सलाम कहता हूँ जो बांग्लादेश की नेवी है। और दूसरी बात है अहमद भाई, कि मैं समझता हूँ कि जो फौजी होते हैं ना, इनमें टफ जो जिसकी ड्यूटी कहते हैं ना, मैं समझता हूँ कि शायद नेवी वालों की है। सही बात है यार, वैसे नेवी वालों की मुश्किल है मेरे हिसाब से, और खासतौर सबमरीन में रहने वाले। हाँ, वो तो और मुश्किल है। वो मतलब उन्होंने कितना कितना टाइम उधर रह जाते हैं आपके लिहाज से, मतलब कितने टाइम तक अगर बंदा जाता है और मतलब जो सबमरीन है वो नीचे समंदर में जाती है, तो कितने टाइम तक वहाँ पे रहते होंगे? यार इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन एक आइडिया लगा सकते हैं कि महीना दो तो रहते ही होंगे यार उसमें। ये तो पक्की बात है यार। और महीना दो समंदर में रहना है। सही बात है यार, ये बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी होती है यार। सही बात है। तो बाकी ये है कि अहमद भाई सलाम पेश करते हैं इनको, और वैसे हर फौजी को सलाम पेश करते हैं। फौजी को बांग्लादेश की आर्मी को भी सलाम है, आर्मी को भी सलाम है, और नेवी को भी सलाम है। तो जो भी मतलब है अच्छे अच्छे सिस्टम, तो सबको ही सलाम है। ऐसा ही है। तो वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा। और अहमद भी एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो बांग्लादेश की नेवी है ना, तो इसके पास मेरे ख्याल में सबमरीन की तादाद हमें नहीं पती। तादाद नहीं पता यार, तादाद कितनी पता है ये तो हमारे भाई यार बता देंगे। हाँ। या कोई ऐसी अच्छी वीडियो में जैसे अपना प्यार दिखाते हैं, सजेस्ट करते हैं, कोई और अच्छी वीडियो सजेस्ट कर देंगे जिसमें थोड़ी मतलब डिटेल दे दें नेवी के बारे में, क्योंकि हम थोड़ी बांग्लादेश में थी, लैंग्वेज थोड़ी सी ना टफ थी हमारे लिए। समझ आया तो कुछ, थोड़ा कुछ समझ आया है, कुछ नहीं आया समझ, तो आप हमें कोई और अच्छी सी वीडियो सजेस्ट कर दें, या फिर ऐसा कर लें कि नेवी की जो भी टोटल ऑल जिस जिस भाई को भी इन्फॉर्मेशन हो, जितनी जितनी भी हो, हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दें। आपके लिए वो कमेंट सेक्शन तो हमेशा ही खुला है। तो बाकी वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा। हम सलाम करते हैं बांग्लादेश को, बांग्लादेश के लोगों को, बांग्लादेश की आर्मी को, बांग्लादेश की नेवी को और बांग्लादेश की गवर्नमेंट को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।